पुलिस ने मुठभेड़ में अवैध असला समेत दो बदमाश दबोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएससी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इटावा जिले के थाना भारतना पुलिस ने मुठभेड़ में दो सातिर बदमाशों को अवैध असला सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश और पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बचन सिंह सरोई द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में दो सातिर बदमाशों को अवैध असला के साथ गिरफ्तार किया है। भरतना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु विशेष संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें बीती रात्रि मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को तुरैया पुल की तरफ से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में भरतना की ओर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घोली गांव जाने वाले मार्ग के पास में बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी गोपियागंज की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और उनकी बाइक फिसल गई। इसी बीच बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी जामा तलाशी में दो अवैध तमंचा 315 बोर, दो अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर व दो खोखा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने पूछताछ में दोनों ने अपना नाम रूपेंद्र पुत्र सुंदर सिंह निवासी नंगला हर राय थाना बसरिया व पवन पुत्र गोपी चंद निवासी नंगला हर राय थाना बसरिया बताया है। इटावा से शिवांगी तिमोरी की रिपोर्ट।